लेके चलते हैं उदयपुर के महिलाओं के मेले में। जी हाँ, ये मेला सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको भी दिखाएंगे क्या है इसमें खास। नजारा है उदयपुर में दिवाली से पहले लगने वाले महिलाओं के मेले का। जी हाँ, ये मेला महिलाओं के मेले के रूप में ही जाना जाता है। हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पूरे देश भर की महिला उद्यमी अपने हथकरघा उत्पाद लेकर आई हैं। 2013 and over here we provide all kind of varieties in clothes, ladies accessories, anything, jewelry items, everything in one premises. It is very big facility for people ki ek hi premises mein unko har tarah ka saman har variety and from different locations. Yahan pe Delhi, Bombay, Calcutta, Jaipur, har jagah se log aaye, stall lagaye. महिलाओं के इस मेले में महिलाओं के उपयोग का हर सामान है, चूड़ी से लेकर ड्रेस तक, एक से बढ़कर एक ड्रेस। कोई चटक रंग के लिए आकर्षक लगता है तो कोई उस पर सजे रंगीन शीशों की वजह से ऐसा लगता है मानो किसी ने कपड़े पर नगीने जड़ दिए हैं। सिर्फ ड्रेस ही क्यों, झुमके पसंद हो तो तरह तरह के झुमके यहाँ लुभाते हुए मिल जाएंगे। अगर किसी महिला को बाली पसंद है तो उसकी सैकड़ों वैरायटी यहाँ है। डिजाइनर दार पर्स हो या पहनावे का कोई दूसरी चीज, महिलाओं को लुभाने का हर सामान यहाँ मौजूद है। तभी तो इसे देख विदेशी महिलाएं भी कम रोमांचित नहीं होती। Traditional Indian clothing and fabrics here, but we're supporting the Uber stall, and that's about reusable sanitary pads that are 100% biodegradable, and they're very environmentally friendly, and they're fair trade as well. मेले में पहनावे के अलावा घर को सजाने की चीजें भी भरी हुई हैं। तरह तरह की पेंटिंग्स हो या कुछ और, सभी मन मोहने वाले। और जब इन्हें देखने और खरीदारी करते थक जाएं, तो खाने पीने का इंतजाम भी है यहाँ। समय राजस्थान उदयपुर। और हमारे साथ इस मेले के संयोजक कामिनी सेठी जुड़ रही हैं। कामिनी जी, स्वागत है आपका समय राजस्थान में। क्यों? जी कामिनी जी, कितने सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है और आखिर क्या मकसद क्या है इस मेले का? ये हमारे करीब 10 इयर्स हो गए हैं हम लोग उदयपुर में ये ईवा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड इसका पर्पस ये होता है कि एक ही जगह हम हर स्तर के लोगों को पूरे इंडिया के आइटम्स एक ही जगह पे प्रोवाइड कर सके। यहाँ पे दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना, बैंगलोर, इंदौर, हर जगह से लोग आते हैं और स्टॉल्स लगाते हैं, अपने अपने सिटीज के आइटम्स लाते हैं और एक ही जगह पे आपको हर तरह की वैरायटी के सामान अवेलेबल हो जाता है। जी कामिनी, लेकिन इसमें खास ये भी है कि इसमें आने वाली भी महिलाएं हैं और जो जितने भी उद्यमी हैं सभी वो भी महिलाएं हैं। हाँ जी जी, तो हाँ उसके जी। पीछे क्या मकसद है आपका? ये हम लोग का एक अनुपम महिला क्लब है, हम सब लेडीज इस क्लब के मेंबर्स हैं और हम लोग ही ये पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और हम इसमें विमेन को प्रमोट करना चाहते हैं, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपने बलबूते पे बिजनेसेस करते हैं, चाहे घर से करें चाहे शॉप कमर्शियल लेवल पे करें, हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम ऑल्सो फ्रॉम आवर साइड। जी कामिनी जी, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ अनुपम जी जुड़ रही हैं, जो कि
अनुपम महिला क्लब के अध्यक्ष जुड़ रही हैं पूनम लाडिया जी। पूनम जी स्वागत है आपका समय राजस्थान में। हाँ जी थैंक यू वेरी मच। पूनम जी जिस तरह से अभी हम कामिनी जी से बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि मकसद खास यही है कि महिलाओं को समाज में और आगे लेकर आना। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो महिलाएं बहुत ही सक्षम है कोई कला है उनमें लेकिन शायद संसाधन नहीं है उनके पास कि वो अपनी कला को किसी स्तर पर दिखा सके, तो क्या आप ऐसी महिलाओं की मदद करती है, क्या उन्हें आगे लेकर आती है? जी हाँ देखिए मैं आपको बताऊँ हमने ये अपना ईवा 2013 ये आपकी आठवां इसका आयोजन है। 2006 से हमने इसमें शुरू किया है और इसका हमेशा पर्पस यही रहा है कि वेमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आगे बढ़ें। कई ऐसी लेडीज हैं जो अपने घर में काम करती हैं, वेमेन उद्यमी हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और इतना लार्ज स्केल पे जिस स्केल पे हम लोग उनको दे पाते हैं वो उनको बिल्कुल ही नहीं मिल पाता। वो अपने घर में छोटे छोटे उद्योग अपने चलाती हैं लेकिन जब हम उनको ये स्टॉल देते हैं उनको पूरे उदयपुर की जनता के सामने लाते हैं तो उनको एक एक मास अपील और मास कम्युनिकेशन करने का टाइम मिलता है। तो वो तीन दिन का हमारा जो ये मेला है उसमें ये बहुत ही अच्छी तरह से अपने हर प्रोडक्ट को डिस्कस कर सकती हैं और कई ऐसी हैं लेडीज जो इससे बहुत राइज करी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया है लाइफ में आफ्टर दिस। तो हमारा जी काफी लंबा सफर हो गया है इस मेले का, काफी सालों से चलता आ रहा है, तो किस तरह के बदलाव आपने अभी तक इसमें देखे हैं? क्या मुझे सुनाई नहीं दिया? पूनम जी काफी लंबा सफर हो गया आपका इस मेले को लगाने का, तो क्या किस तरह के बदलाव आपको नजर आ रहे हैं या फिर और अभी के वक्त में आपको क्या लगता है कि क्या जरूरत है? देखिए मुझे जो बदलाव लगता है कि पहले ये बहुत छोटे स्तर पे था, लोग अपने इतने अपने प्रोडक्ट्स भी इतना मैसिव वे में नहीं डिस्प्ले करते थे क्योंकि उनको ये डर था कि दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, लेकिन अभी वो लोग बहुत दे हैव बिकम बिग एंटरप्रेन्योर्स एंड दे आर डूइंग वेरी वेल ऑल ऑफ देम। और मुझे लगता है कि वो बहुत एथनिक वेयर लाने लगे हैं और जो हमारे बाहर के लोग यहाँ आते हैं इस मेले में उदयपुर से बाहर के राजस्थान के बाहर से वो सब ये कहते हैं कि आप उदयपुर किसी भी चीज में कम नहीं है और यहाँ आके हम अपने प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से बेच पाते हैं और उदयपुर के लोग जो लोकल लोग हैं वो भी बहुत खुश होते हैं यहाँ से जाते हैं। मैं आपको बताऊँ मेरी सचिवा प्रेमा जी मेरे साथ है, आप उनसे भी बात करिए प्लीज। कामिनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो संयोजक है इस मेले की। कामिनी जी अभी आपको लगता है कि और कुछ बदलाव इसमें हो सकता है या फिर कोई जरूरत है अभी भी इसमें कुछ जिसे हम जोड़ सकते हैं ताकि और महिलाओं को आगे आने का मौका मिले? देखिए हम हमारे तरफ से पूरी एडवर्टाइजमेंट करते हैं सब जगह, हम बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारे साथ मैक्सिमम लेडीज जुड़ सके, अपना प्रोडक्ट दिखा सके, अपनी कला यहाँ हमें दिखा सके। तो बदलाव तो मेरे को नहीं लगता कि अब कोई जरूरत है, हम लोग बहुत हाई लेवल पे इस मेले को ऑलरेडी ले जा चुके हैं। वी आर हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन दिस मेला, तो जो भी जुड़ना चाहे इट इज ओपन टू ऑल, इट इज ओपन टू ऑल लेडीज जो अपना कला यहाँ आके दिखाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी जी आपका और साथ ही पूनम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इस पेशकश में बात की महिलाओं की, हमारे समाज में हमने दो उन महिलाओं की बात करी जो अपने पति के शोषण का शिकार हुई जिसमें एक की जान चली गई लेकिन एक ने हिम्मत दिखाई, आगे बढ़ी, उसने शिकायत की, अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। लेकिन वही समाज में ये भी महिलाएं हैं जो घर से निकल कर समाज में एक अपनी जगह अपना एक मकाम बना रही है और जिन्हें आगे आने का मौका भी मिल रहा है। तो हमारी खास पेशकश में बस इतना ही और लेकिन समय राजस्थान पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ ही देर में हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।